बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीनो दानिश के साथ मंजूरुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम नमाज के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब जावेद अहमद साहिब गामिदी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गामिदी साहब अस्सलाम वालेकुम। गामिदी साहब, नमाज के हवाले से हमने पिछले दिनों मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू की। इसमें हमने उसकी तारीख, उसके मकसद के हवाले से बाज़ चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम चाह रहे हैं कि नमाज के अज़कार के हवाले से आप हमारी कुछ रहनुमाई कीजिएगा। नमाज के अज़कार के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि आपने फरमाया, खासतौर पर सूरह फातिहा के हवाले से, कि सूरह फातिहा की अहमियत यह है कि अगर इसको नमाज में किसी ने नहीं पढ़ा तो गोया कि उसकी नमाज ही नहीं हुई। तो ये इसकी सूरह फातिहा की नमाज के अंदर इस कदर अहमियत, ये इसकी क्या फजीलत है, आप क्या बयान करेंगे इसमें? मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि नमाज रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हिस्सों में हमें दी है। अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही चली आ रही है। एक हिस्सा आमाल से मुतल्लक है, इस पर हम कुछ गुफ्तगू कर चुके हैं। एक हिस्से का ताल्लुक अज़कार से है। अज़कार में अहम तरीन जिक्र सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा की अहमियत अगर कुरान मजीद का आप मुताला करें तो उससे भी वाज़ेह होती है और रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात से भी वाज़ेह होती है। सूरह फातिहा दर हकीकत बेसत मोहम्मदी की दुआ है, यानी रिसालत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले इंसानियत जो ज़रूरत पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर रही थी वो ये थी कि दीन का सही रास्ता वाज़ेह हो जाए। यहूद ने दीन में जो बिदात दाखिल कर दी थी, जिस सरकशी के साथ अल्लाह ताला के दीन को बिगाड़ा था, उसकी वजह से हर हसास इंसान परेशान था। इसी तरह नसारा ने अल्लाह ताला की शरीयत को मनसूख करार दे दिया था और एक नया दीन अपनी तरफ से ईजाद कर लिया था और ख़ास तौर पर तौहीद जैसे मसले में ऐसा ही बहाम पैदा कर दिया था कि आदमी अगर सही बात को जानना चाहे तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता था। ये पस मंज़र है जिसमें सूरह फातिहा के ज़रिए से गोया इंसानियत ने यह दुआ की है कि परवरदिगार, तू हमारा परवरदिगार है, तू सरासर रहमत है, तेरी शफकत अबदी है, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, लेकिन हमें सीधा रास्ता दिखा। ये सीधा रास्ता जिसकी यहाँ दुआ की गई है, कुरान मजीद दर हकीकत उसी का जवाब है। यानी सूरह फातिहा का कुरान से भी यही ताल्लुक है। तो नमाज के ये दो पहलू के एक उसमें सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है और दूसरे कुरान मजीद का साथ मिलाना ज़रूरी है। ये दर हकीकत उस पूरी बात को बयान कर देते हैं। यानी सूरह फातिहा वो दुआ है जो रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के लिए इंसानियत ने की और हम उस दुआ को दोहराते हैं और उसके बाद उसका जो जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आया, यानी कुरान मजीद, उसका कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और गोया अलामती तौर पर यह बता देते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की जो दुआ की गई थी, ये कुरान उसका जवाब है। लिहाजा अब अगर इंसानियत को सीधा रास्ता कहीं से मिल सकता है तो अल्लाह की इस किताबी से मिल सकता है। तो दोनों की अहमियत है, लेकिन ज़ाहिर है सूरह फातिहा चूँकि दुआ है, नमाज दुआ है, मुनाजात है, तस्बीह है, तहमीद है, इन सारे तकाज़ों को ये सूरह पूरा कर देती है और कुरान मजीद के ताल्लुक को भी वाज़ेह करती है। तो इस वजह से इसकी अहमियत गैर मामूली। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा, इससे मुराद कुरान मजीद है। आपने जैसे फरमाया जवाब में कुरान नाजिल हुआ तो ज़ाहिर है कि अब वही सीधा रास्ता, यानी उसके अंदर जो शरीयत, जो हिकमत, जो चीज़ें बयान हुई हैं वो हमारे लिए असल में सीधा रास्ता, वो हमारे लिए सीधा रास्ता है। यानी इंसानियत को जो उस वक्त मुश्किल दरपेश थी वो इस पूरी की पूरी सूरह में बयान हो गई है। वो अगर आप अगली आयत को पढ़ें तो वाज़ेह होती है कि परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखा। ये रास्ता उन लोगों का नहीं होना चाहिए जो गुमराह हो गए हैं, न उन लोगों का होना चाहिए जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। इसमें अगरचे किसी का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन साफ इशारा है नसारा की तरफ और यहूद की तरफ। दोनों के बारे में कुरान मजीद ये बताता है कि उन्होंने खुदा के दीन के साथ क्या मामला किया। ये सूरत हाल है जिसमें उस वक्त इंसानियत गिरफ्तार थी। तो इंसानियत की दुआ है और इस तरह ये बेसत मोहम्मदी की दुआ बन जाती है। गोया इंसानियत ने चाहा कि अल्लाह के पैगंबर की तरफ से उन पर सही बात वाज़े की जाए। अल्लाह ने अपने पैगंबर को मबूस किया, उसकी ज़ुबान पर अपना कलाम जारी किया, वो कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास मौजूद है। मालिक यौमिद्दीन, यानी रोज़े जज़ा के दिन का मालिक। तो रोज़े जज़ा का दिन ज़ाहिर है कि एक दिन आना है, उस पहलू से नमाज क्या तरबियत करती है? देखिए सूरह फातिहा में दर हकीकत इंसान के तमाम अकायद बयान हो गए हैं। ये बात बयान हो गई है कि अल्लाह इस पर कायनात का परवरदिगार है। ये बात बयान हो गई है कि इंसान का उसके साथ ताल्लुक शुक्रगुजारी का होना चाहिए, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने जिंदगी बख्शी है, जिंदगी के लवाज़िम अता फरमाए हैं, हयात अबदी की नवीद सुनाई है, जन्नत की बशारत दी है। तो इस लिहाज से इंसान का वो मन में हकीकी है, इंसान वजूद में उसके इज़्न से आया है, उसके हुक्म से आया है, इंसान की हकीकत उसका एक कौल, उसका एक कलमा है, और इंसान को उसने अबदी ज़िंदगी बख्शी है, तो उसकी ऐन इनायत है, इसलिए कि इंसान का कोई हक उस पर कायम नहीं होता था। तो इससे जो ताल्लुक़ इंसान का अपने परवरदिगार के साथ पैदा होना चाहिए वो शुक्र का ताल्लुक़ है। ये सूरह उस ताल्लुक़ को बयान करती है, फिर ये बताती है कि इस कायनात के परवरदिगार की अमूमी सिफ़ात क्या है, उसके लिए रहमान और रहीम के तसव्वुर को वाज़ेह करती है, और फिर इंसान को ये सहारा देती है कि ना सिर्फ ये कि वो इस दुनिया को बनाने वाला है, बल्कि जो जज़ा व सज़ा का और बदले का दिन आने वाला है उसका भी तन्हा मालिक वही होगा, उसमें किसी और के लिए कोई आराय कलाम नहीं होगा और ना किसी और का सहारा किसी के काम आ सकता है। अच्छा, आपने पिछली किसी निशस्त में फरमाया था कि इस्लाम जो है उसका मकसद, उसका मंशा ये है कि इंसान के लिए आखिरत को मसला बना दिया जाए। तो इंसान को के लिए आखिरत को मसला बना देना क्या इसके मानी है? इसका मतलब ये है कि दुनिया की जिंदगी में इंसान आखिरत को एक हकीकत के तौर पर मान कर जिए। अगर दुनिया की जिंदगी का आप मुताला करें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि वह हर लिहाज से इंसान को मशगूल करती है, यानी कुछ चीज़ें उसमें ज़रूरत की हैसियत से इंसान का हदफ बन जाती हैं और बाज़ औक़ात वो उन ज़रूरियात ही को पूरा करने में अपनी सारी क़ुव्वत और अपनी सारी सलाहियत खपा देता है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ तायुशात से है। इस वक्त भी अगर आप दुनिया पर एक निगाह डाल के देखें तो इंसान इस पर राज़ी नहीं हुआ कि वो खुदा की ज़मीन पर सिर्फ ज़रूरियात पूरी कर ले, उसने इससे आगे बढ़कर इस दुनिया के अंदर से ऐश बरामद करने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल ने मगरिब पर तनकीद करते हुए कहा था कि ढूंढ रहा है फरंग ऐशे जहां का दवाम, वाय तमन्नाए खाम वाय तमन्नाए खाम। ये हकीकत है कि दुनिया की जो नई तहजीब है उसने इस दुनिया के ऐश को तलाश करने की कोशिश की है, इसमें दवाम तलाश करने की कोशिश की है और सिर्फ ज़रूरियात पर किनायत नहीं की बल्कि आगे बढ़कर तायुशात को अपना हदफ बनाया है। ये जो इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की सूरत हाल पैदा हुई है, अगर आप गौर करें तो ये उसका लाजमी नतीजा है, यानी इंसान ने जब ज़रूरत से ज़्यादा चाहा है तो उसकी कीमत भी उसको देनी पड़ी है। इतना उलझ जाता है इंसान इस दुनिया में। अपनी अगर इनफरादी ज़िंदगी का, ये तो तहजीबी मामला है, इनफरादी जिंदगी का मुताला करें तो हर आदमी बिल्कुल कोलू के बैल की तरह अपनी ज़रूरियात के लिए जुटा हुआ होता है, वो पूरी हो जाती हैं तो फिर आदमी तायुशात को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर देता है। इसमें वो खुदा फरामोश भी होता है, खुद फरामोश भी होता है। उसको ये याद दिलाना कि एक दिन मौत आने वाली है और इस मौत के बाद असल जिंदगी शुरू होने वाली है, ये चीज़ है कि जिसको अगर आप याद दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इंसान इस दुनिया में जीता है, लेकिन उसका असली मसला ये होता है कि मुझे अपनी आखिरत को किसी हाल में खोटा नहीं करना। ये चीज़ है जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेसत का असली हदफ है। इसीलिए उनका तारुफ ये कराया जाता है कि वो मुबश्शरीन व मुनज़रीन होते हैं, यानी बशारत देने आते हैं, खबरदार करने आते हैं। बशारत इस बात की कि अगर सही रास्ता इख्तियार करोगे तो जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, और खबरदार इस मामले में कि अगर गलत रास्ता इख्तियार करोगे तो इसके कुछ नताइज निकलेंगे जो बहुत खौफनाक भी हो सकते हैं। अच्छा, आखिरत को तो मसला बना लेना चाहिए, लेकिन जिसको रोटी का मसला पड़ा हुआ है, उसका रोजगार पूरा नहीं हो रहा, बच्चे उसके सेहत की जरूरत पूरी नहीं उनकी हो रही, तालीम की जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो उसके तो हवास पर, उसके जहन पर हर वक्त जो है वो यही चीज छाई हुई होती है। तो वो कैसे, यानी क्या आप सजेस्ट करेंगे इस तरह के बंदे के लिए कि वो दुआ करे, मुनाजात करे, कैसे आखिरत को अपना मसला बनाए? ये बात यह है कि दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ पर अल्लाह ताला इम्तहान कर रहे हैं। ये इम्तहान बाज़ औक़ात बड़ा सख्त हो जाता है, दोनों पहलुओं से होता है, ये सब्र का भी होता है, शुक्र का भी होता है। इस तरह का बंदा जो इस तरह की सूरत हाल से दोचार हो जाता है उसको ज़ाहिर अल्लाह ने सब्र के इम्तहान में मुब्तला कर दिया है। तो अगर वो एक साबिर शाकिर बंदे की हैसियत से ज़िंदगी बसर करता है और अपनी जिद्दोजहद में इस चीज़ को हमेशा पेश नज़र रखता है कि अगर इसमें कोई नाकामी भी हो रही है तो अल्लाह इसकी क़यामत में तलाफी कर देगा, तो ये चीज़ के लिए ईमान, इस्तियाद आखिरत में जीने का जरिया बन जाती है। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ अल्लाह ताला दे तभी इंसान आखिरत को याद रखता है। हमने देखा है कि आखिरत को याद रखने के लिए सिर्फ इंसान के इरादे की सेहत की ज़रूरत होती है। जब उसका इरादा दुरुस्त हो जाता है तो फिर उसको मजदूरी करते हुए भी आखिरत याद होती है, उसको अपने बच्चों के लिए पेट पालने का बंदोबस्त करते हुए भी आखिरत याद होती है, फिर वह इंतहाई मशक्क़त में भी खुदा को सामने रखता है। आखिरत को याद करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि नाजुक से नाजुक और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान अखलाकी हुदूद की खिलाफ वर्जी न करे। हाँ जी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह हम दोबारा इस प्रोग्राम में वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गांधी साहब, फजर की नमाज है, इशा की नमाज है, इसी तरह मगरिब की नमाज है, ये वो नमाजें हैं कि जिनमें जो किरात है वो बाआवाज़े बुलंद होती है, जहरी होती है। कुछ नमाजें हैं, यानी दो नमाजें जो बाकी हैं, असर की और जोहर की, उनमें कम आवाज़ में या हम बाआवाज़े बुलंद किरात नहीं करते। तो क्या हिकमत इसमें मलहूज रखी गई है कि कुछ नमाजें जहरी हैं, कुछ सिर्री हैं? इंसान एक जमालियाती एहसास रखने वाली मखलूक है। दिन जिंदगी के हंगामों की जगह है, इसमें इंसान अपने माश की जद्दोजहद करता है, उसके दौरान में आप निकलते हैं, आप जोहर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज पढ़ते हैं, तो इस हंगामे में तलावत बुलंद आवाज़ से नहीं की जाती, आप अपने दिल में पढ़ लेते हैं। आप अगर कोई गज़ल सुनने की मजलिस मुनक़िद करते हैं, शेर व शायरी की कोई मजलिस मुनक़िद करते हैं, तो उसके लिए भी मुनासिब वक्त का इंतखाब करते हैं। ये मैं बात समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो तशबीह देना मकसूद नहीं है। अल्लाह ताला की किताब को आप पढ़ते हैं तो उससे भी मकसूद ये होता है कि फ़ज़ा में उसका एक रंग और आहंग नुमाया हो, आप अच्छी आवाज़ के साथ उसको पढ़ें। इसी वजह से कुरान मजीद के बारे में ये कहा गया है कि उसके अंदर गिना होना चाहिए। आप जब उसे पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ें, जिस तरीके से सैयदना दाऊद के बारे में आता है कि वो ज़बूर के मज़ामीर इस तरह पढ़ते थे कि परंदे भी उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला देते थे। तो कुरान को भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और सही अदब के साथ पढ़ना चाहिए। तो कदीम तमद्दुन में तो ये सूरत नहीं थी जो अब पैदा हो गई है, उसमें फजर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त बड़ी खामोशी का वक्त होता था। तो इस वजह से उन औकात में तलावत बुलंद आवाज़ से करने का तरीका एक सुन्नत के तौर पर कायम किया गया। तो दिन के हंगामों में और इस तरह की जो तगापो की कैफियत होती है, उनमें आप खामोशी से किरात करते हैं, और जो वक्त उसके लिए मुनासिब है कि जिसमें लोग कुरान सुने और कुरान उनको सुनाया जाए, उसमें बुलंद आवाज़ से किरात करते हैं। अच्छा, आपने फरमाया कि कुरान मजीद जो है वो गिना के साथ पढ़ना चाहिए। इस गिना में और हमारे अमूमी गिना में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं, अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, आप उसको अल्लाह की किताब के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इंसान की आवाज़ की तज़ीन एक नेमत है अल्लाह की नेमतों में से। आप अच्छे तरीके से जब अजान देते हैं, अच्छे तरीके से कुरान पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से कोई अच्छा कलाम पढ़ते हैं, तो वो दिलों में तासीर पैदा करता है। यानी आप किसी चीज़ को स्मार्ट तरीके से भी बयान कर सकते हैं और आप उसके अंदर रंगो आहंग भी पैदा कर सकते हैं। कलाम मौजू जिसको कहा जाता है, वो आखिर इंसान के लिए इतनी दिलचस्पी का बायस क्यों बन गया? उसकी वजह यही होती है कि उसमें बात को बहुत मौसर तरीके से पहुंचा दिया जाता है और वो आज दिल खेजत बर दिल रेजत की कैफियत इख्तियार कर लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत भी अक्सर सुनने में आई है कि जिसमें आप किसी जगह तशरीफ फरमा थे तो एक नौजवान का गुजर हुआ, तो गीत गाता हुआ जा रहा था, तो आपने थोड़ा सा टोका और उसको कहा कि इसके बजाय तुम कुरान को गिना से क्यों नहीं पढ़ लेते? तो इसका मतलब ये है कि तरजीह जो है वो गिना के पहलू से कुरान मजीद ही को गिना से पढ़ने की है। नहीं, देखिए, बात यह है कि इंसान की जिंदगी आम हालात में जैसे गुजरती है, वो कोई ममनुआत में से नहीं है। तफरीहात का अपना एक मकाम है और इंसान उन तफरीहात को अपनी फितरत के लिहाज से इख्तियार भी करता है। ताहम इंसान के इश्तगाल को सही रुख पर मोड़ना, ये तो वालदैन भी करते हैं, पैगम्बर भी करेगा, ये अच्छा माशरा भी करता है। आप अपने बच्चे को भी ये कहते हैं कि ये आप जो कहानियों की किताबें पढ़ रहे हैं, इनकी जगह आप कोई ऐसी किताब क्यों नहीं पढ़ते जो कल आपके मुस्तकबिल को संवारने का जरिया बन सके? तो कुरान मजीद की तरफ मतवज्जे करने का काम ही तो पैगम्बरों को करना होता है। तो आपने एक नौजवान का रुख मोड़ा उस जानिब, ये नहीं कहा कि इसको बिल्कुल ही छोड़ दो। यानी अगर तुम्हें शौक है तो ये शौक तुम अल्लाह की किताब से भी पूरा कर सकते हो। तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ी आला नसीहत है। अच्छा, हमें सब ये बताइएगा कि सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं हम तमाम औकात में, तमाम पांचों नमाजों में, और जिन नमाजों में जहरी होती है उसमें जब इमाम बावाज़े बुलंद तिलावत करता है, मुक्तदी के लिए क्या हुक्म है? यानी वो उसको सुने, इसमें यह राय भी पाई जाती है कि वो खामोशी सुनना चाहिए। बाज़ लोग इससे इख्तलाफ करते हैं कि नहीं जी, इसके साथ साथ दोहराना चाहिए। तो आपका मौक़िफ़ इस पहलू से क्या है? जिन मामलात को अल्लाह के पैगम्बर ने हम पर छोड़ दिया है, उनमें अक्ल आम से काम लेना चाहिए। लिहाजा अकली तकाजा तो यही है कि अल्लाह की किताब पढ़ी जा रही है, बुलंद आवाज़ से आप सुन रहे हैं तो खामोश रहिए और सुनिए। आपका सुनना ही उसको पढ़ना है। और अगर इमाम खामोशी से तलावत कर रहा है तो आपको भी तलावत करनी चाहिए, इसलिए कि इस वक्त आप कुछ नहीं सुन रहे। कुरान के अदब का तकाजा यह है कि वो पढ़ा जाए तो आप उसे सुने। अगर वो नहीं पढ़ा जा रहा, खामोशी के साथ किरात हो रही है, तो आप भी अल्लाह की किताब पढ़िए, आप भी सूरह फातिहा पढ़िए, आप भी कुरान मजीद का कोई हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो उसको मिलाइए। यही तरीका मेरे ख्याल में अक्ल आम के मुताबिक है। लेकिन इसमें ये जो अजीम शान इख्तलाफ नजर आता है सिर्फ इसी पहलू से, तो उसका फिर क्या सबब है? कुछ रिवायतें हैं या लोगों का अपना इस्तदलाल है? मैं इन इख्तलाफात के बारे में उसूली बात कर चुका हूँ कि जो हिस्सा इख्तियारी है, यानी नमाज के जिस तरह आमाल का एक हिस्सा लाजमी है और एक हिस्सा हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, वो इख्तियारी है, यही मामला अज़कार का भी है। अज़कार में कुछ लाजमी अज़कार है, लाजमी अज़कार में मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़ना है, कुरान का एक हिस्सा मिलाना है, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करना है, इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह अकबर कहना है, जैसे हम रुकू में जाते हैं, रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, नमाज ख़त्म करने के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं। ये नमाज के लाजमी अज़कार हैं, इनके बगैर नमाज नहीं होती। ये तो हर हाल में आदमी को इख्तियार करने होते हैं। इनके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब की सब इख्तियारी हैं। इख्तियारी चीज़ों में लोगों के माबैन इख्तलाफ हो जाता है। इख्तलाफ की एक बड़ी वजह यह बनती है कि जो हिस्सा इख्तियारी है, ज़ाहिर है रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो उसमें कोई चीज़ इख्तियार की होगी, तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तारात को, यानी आपकी इख्तियारी चीज़ों को जानने का शौक एक फितरी शौक है। ये शौक पूरा करने के लिए लोग रवायात की तरफ रुजू करते हैं, रवायात की तरफ रुजू करेंगे, इसलिए कि हुजूर की ज़िंदगी के हालात रवायाती से मिलेंगे। उसमें कहीं कहीं इख्तलाफ हो जाता है और बाज़ औक़ात हमारे यहाँ नाशाइस्तगी तक पहुँच जाता है। तो इख्तलाफ को इख्तलाफ रखना चाहिए, जिस चीज़ पर आपका इत्मीनान है उसे इख्तियार करना। गांधी साहब, सूरह फातिहा के बारे में तो आपने वाजे कर दिया, उसके बाद जो आमीन हम कहते हैं इस पर भी इख्तलाफात का एक अंबार है, यानी उसको बावाज़े बुलंद कहना चाहिए या धीमे अंदाज में कहना चाहिए। कि सूरह फातिहा एक दुआ है, इमाम ने दुआ की, आपने उसकी दुआ सुनी, उसके बाद आप आमीन कह देते हैं। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए, खामोशी के साथ कह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से कहने वालों को रोका नहीं है, खामोशी से कहने वालों को ये हिदायत नहीं की कि ज़रूर बुलंद आवाज़ से कहो। ये भी मेरे ख्याल में बिल्कुल एक इख्तियारी मामला है। बाज़ वक़्त तबीयत बुलंद आवाज़ से कोई बात कहने के लिए आमादा होती है, बाज़ वक़्त नहीं होती, तो इसको इसी तरह छोड़ देना चाहिए। इसमें ना कोई लड़ने की बात है, ना कोई झगड़ने की बात है। मैं बार बार जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि लाजमी चीज़ें जो हैं उनको अलग करना चाहिए, और इख्तियारी चीज़ों के मामले में चूँकि अल्लाह के पैगम्बरी ने इख्तियार दे दिया है, इस इख्तियार का एहतराम करना चाहिए। यानी जो आदमी अपने इख्तियार से कोई तरीका इख्तियार करता है, जब खुदा के पैगम्बर ने उसको ये हक़ दे दिया है, तो हमारा भी ये काम नहीं है कि इस पर लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लम के उस्वा-ए हसना को जानने की कोशिश आदमी करे, और उसमें जिस चीज़ पर उसका इत्मीनान हो जाए उसको इख्तियार कर ले, अपने दलाइल बयान करके दूसरों को उसकी तरगीब दे दे, वो मुतमिन हो जाएंगे, उसको इख्तियार कर लें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है। इस प्रोग्राम में कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।